गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज क्लास सेकेंड चैप्टर 6. द नेम ऑफ द पोएम इज द माइटी एलिफेंट. माइटी मीन्स ताकतवर. माइटी का मतलब क्या होता है? ताकतवर, स्ट्रॉन्ग. ओके, वंस अ माइटी एलिफेंट, एक बार एक माइटी एलिफेंट मतलब एक ताकतवर हाथी. बहुत हाथी तो बड़ा होता है ना, और बहुत ताकतवर भी होता है. उसको क्या हो गया? ही हैड अ माइटी कोल्ड. उसको जो है बहुत तेज जो है उसको सर्दी हो गई. कोल्ड का मतलब सर्दी, जुकाम. हाँ, वंस अ माइटी एलिफेंट हैड अ माइटी कोल्ड, सो ही वेंट टू बाय अ हैंडकरचीफ. अब उसको इतनी तेज जुकाम हो गया कि वो दुकान पे गया क्या लेने के लिए? हैंडकरचीफ. हैंडकरचीफ का मतलब हैंकी. वेयर हैंडकरचीफ वर सोल्ड, कहाँ गया? एक दुकान पे हैंकी खरीदने, जहाँ पे हैंकी जो है मिलती है. ठीक है, अ हैंडकरचीफ फॉर एन एलिफेंट. द सेल्समैन वॉज सरप्राइज. अब दुकानदार जब हाथी वहाँ पे गया, उसने कहा कि हमें बहुत तेज जुकाम हो गया और मुझे क्या चाहिए? एक हैंडकरचीफ चाहिए. तो सेल्समैन जो था वो बहुत सरप्राइज हो गया, बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया. उसने कहा, आई एम सॉरी मिस्टर एलिफेंट. मिस्टर एलिफेंट, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करिए. शॉपकीपर ने क्या कहा? मिस्टर एलिफेंट, आई एम सॉरी. उसने कहा, मुझे माफ़ करिए मिस्टर एलिफेंट, बट वी डू नॉट हैव योर साइज. पर हमारे पास आपके साइज का हैंकी नहीं है. क्यों? क्योंकि एलिफेंट तो बहुत बड़ा होता है, और हैंडकरचीफ का साइज़ क्या होता है? हम लोग जो हैंडकरचीफ यूज़ करते हैं, जो हैंकी यूज़ करते हैं, उसका साइज़ छोटा होता है. अब इतना छोटा साइज़ का हैंकी जो एलिफेंट क्या करेगा? एलिफेंट का साइज़ का तो हैंकी मिलता नहीं है. अ टिशू, सेड द एलिफेंट. अ टिशू, ओ माई हेड. अ टिशू का मतलब क्या हुआ? अ टिशू, जब हम लोग जब स्नीज करते हैं, व्हेन वी स्नीज, जब हम लोग छींकते हैं तो साउंड आता है ना, अ टिशू, है ना. एलिफेंट को बहुत ज़्यादा छींक आ रही थी. जब उसने फिर से स्नीज किया तो उसने कहा, ओ माई हेड, मेरा सर दुख रहा है. फॉरगेट अबाउट द हैंडकरचीफ. हैंडकरचीफ के बारे में छोड़ो. गिव मी अ बेडशीट इंस्टेड. अब मुझे हैंडकरचीफ की जगह पे मुझे क्या दे दो? मुझे एक बेडशीट दे दो, एक चादर दे दो, है ना. बेडशीट बड़ा होता है, तो बेडशीट को उसने हैंडकरचीफ की जगह पे यूज़ किया. इंस्टेड का मतलब इन प्लेस ऑफ, उसकी जगह पर. किसकी जगह पे? हैंडकरचीफ की जगह पे उसने क्या खरीदा? बेडशीट खरीदा. ओके, नाउ कम बैक टू हार्ड वर्ड ऑफ चैप्टर 6, द माइटी एलिफेंट. MIGHTY, माइटी. माइटी मीन्स ताकतवर. माइटी का मतलब क्या होता है? ताकतवर. हैंडकरचीफ, HAND, हैंड, KERCHIEF, हैंडकरचीफ. हैंडकरचीफ मीन्स हैंकी, रुमाल. एलिफेंट, ELETHANT, एलिफेंट मीन्स हाथी. नेक्स्ट इज सेल्समैन, SALES, सेल्स, MAN, सेल्समैन. सेल्समैन का मतलब क्या होता है? दुकानदार. सरप्राइज, SURPRISED, सरप्राइज. सरप्राइज मीन्स आश्चर्यचकित होना. इंस्टेड, INSTEAD, इंस्टेड मीन्स इन प्लेस ऑफ, उसकी जगह पर. SOLD, सोल्ड. सोल्ड मीन्स बेचना. शीट, SHEET, शीट. शीट मीन्स बेडशीट, चादर. नाउ कम बैक टू वर्ड मीनिंग ऑफ चैप्टर 6, द माइटी एलिफेंट. MIGHTY, माइटी मीन्स वेरी लार्ज, बहुत बड़ा, विशाल. सेल्समैन, SALES, सेल्स, MAN, सेल्समैन, अ मैन हु सेल्स थिंग्स, मीन्स दुकानदार. सरप्राइज, SURPRISED, सरप्राइज मीन्स फुल ऑफ वंडर. अतिशू, AATISHOO,
अतिशु मीन्स साउंड मेड व्हेन वन स्नीजेस, जब कोई एक पर्सन छींकता है तो छींकने पे जो आवाज आती है उसी को यहाँ पे क्या कहा गया है, अतिशु. इंस्टेड, INSTEAD, इंस्टेड मीन्स इन प्लेस ऑफ, उसकी जगह पर. नाउ कम ऑन टू क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर 6, द माइटी एलिफेंट. हु हैड अ माइटी कोल्ड, किसको बहुत ज़्यादा बहुत तेज जुकाम हो गया था. द एलिफेंट हैड अ माइटी कोल्ड, किसको हो गया था कोल्ड, एलिफेंट को हो गया था. हु वॉज सरप्राइज, कौन सरप्राइज था, द सेल्समैन वॉज सरप्राइज. क्यों सरप्राइज था, क्योंकि एलिफेंट क्या मांग लेने के लिए गया था, वो हैंडकरचीफ लेने के लिए शॉप पर गया था, इसलिए सेल्समैन क्या हो गया, वो बहुत सरप्राइज हो गया था. व्हाई वाज द सेल्समैन सरप्राइज, सेल्समैन क्यों सरप्राइज था, द सेल्समैन वाज सरप्राइज बिकॉज द एलिफेंट वाज आस्किंग फॉर अ हैंडकरचीफ. क्यों सेल्समैन सरप्राइज था, क्यों आश्चर्यचकित था, क्योंकि एलिफेंट जो है वो हैंडकरचीफ लेने के लिए शॉप पर गया था. What did the elephant ask for instead of the handkerchief? Handkerchief की जगह पे elephant ने क्या मांगा, जब उसको handkerchief नहीं मिलता है तो वो क्या मांगता है. The elephant asked for a bed sheet instead of the handkerchief. Elephant ने क्या मांगा, bed sheet, handkerchief की जगह पे उसने क्या मांगा, bed sheet मांगा. Now come back to fill in the blank. A dash elephant had a mighty cold. A mighty elephant had a mighty cold. Forget about the handkerchief. Handkerchief means hanky. The dash was surprised. The salesman was surprised. So he dashed to buy a handkerchief. Answer is, so he went to buy a handkerchief. I am dash Mr. Elephant. I am sorry Mr. Elephant. Okay? Now come on to exercise C. Give the meaning of the following words. You have to write the meaning of the following words. Yahan pe ye words diye hue hain and you have to write the meaning. Now mighty, very large, bahut bada, bahut vishal. Salesman, a man who sells things. दुकानदार, सरप्राइज, फुल ऑफ वंडर. इंस्टेड, इन प्लेस ऑफ, उसकी जगह. नाउ कम ऑन टू मैच द फॉलोइंग. माइटी एलिफेंट, बेड शीट, सेल्स मैन, बाय हैंडकरचीफ, योर साइज. Now write the rhyming words. Rhyming words क्या होते हैं, you know what is rhyming word? Rhyming word वो word होते हैं जिनकी ending same हो, मतलब वो एक जैसा, जैसे कि matching words, जैसे cold, sold, hold, है ना, इस type के जो words होते हैं जिनकी ending same होती है, they are called the rhyming words, जो मिलते जुलते हुए शब्द होते हैं. Okay? तो इस poem में cold से matching word कौन सा है, sold. Head, instead, surprise, size, my, by, okay? So these are the rhyming words. Now write the next line. Once a mighty elephant had a mighty cold. Next line kya hai? Once a mighty elephant had a mighty cold. Second, forget about the handkerchief. Give me a bed sheet instead. ठीक है, इसके बाद वाली जो लाइन है ये मैंने यहाँ राइट कर दिया. और यहाँ पे आपको सेम कॉपी करना है. ओके, अगर नीचे स्पेस नहीं, अगर यहाँ तक आपको नहीं कंप्लीट हो रहा है तो आप यहाँ से एक नेक्स्ट लाइन ऐसे ड्रॉ करके यू कैन राइट द वर्ड हेयर ऑल्सो. ओके, बट डू द वर्ड नीट एंड क्लीन, डू द वर्ड नीट एंड क्लीन. ओके, a handkerchief for an elephant. The salesman was surprised. I am sorry Mr. Elephant, but we don't have your size.
कंप्लीट द वर्ड ELETHANT elephant handkerchief 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 mighty 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 surprise SURPRISED surprise sold 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 यहाँ पे आई लिखा हुआ था आई हैव मेड दिस आई एल ओके दैट वॉज रॉन्ग यहाँ पे एल होगा एस ओ एल डी सोल्ड बेडशीट बी ई डी बेड एस एच डबल ई टी शीट बेडशीट एफ ओ आर जी ई टी फॉरगेट नेक्स्ट इज हेड एच ई ए डी हेड एस ओ डबल आर वाई सॉरी Salesman, S-A-L-E-S, sales, M-A-N, man, salesman, C-O-L-D, cold, S-I-Z-E, size. So students, now this chapter 6, the mighty elephant is over, okay? Thank you.